चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग अ करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग इट्स एक्सिस। इफ द करंट इज डबल एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज हाफ द न्यू वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कितनी होगी? तो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन आई होता है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स और आई पे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं इसको पहले मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं लिख दूं एन वन आई वन और बाकी मैग्नेटिक फील्ड को म्यू नॉट एन टू आई टू लिख दूं और इसको डिवाइड कर देता हूं अगर, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, तो टू अपॉन वन करूं तो क्या आ जाएगा? बी टू अपॉन बी वन इज इक्वल टू एन टू आई टू अपॉन एन वन आई वन, करेक्ट है। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो रहा है? हाफ हो रहे हैं। तो अगर एन वन को एन कहा हमने और एन टू को एन बाई टू कहा, I1 को I कहा और I2 को 2I कहा, तो ये वैल्यू पुट करो n by 2 upon n into I2 है 2I upon I, क्या हो जाएगा? n से n कटेगा, I से I कटेगा, 1 by 2 into 2 ultimately 1 आया, तो b2 upon b1 की वैल्यू क्या आ गई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, b2 is equal to b1, B2 is equal to B1, it means जो मैग्नेटिक फील्ड पहले थी वही मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर अभी भी उतनी ही रहेगी, तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।